पहले तो मैं किरदार का, मेरे किरदार का, कैरेक्टर का जो नाम है उसका नाम मानव है इस फिल्म में। पहले तो ये जो पूरी जो स्टारकास्ट है, बहुत ही अच्छी स्टारकास्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टर्स हैं। अगर आप देखने जाए तो जो फिल्म में सुबोध सर हैं, निमृत मैम हैं, राधिका मदान है, सो यू नो, जो जिस तरीके का कास्ट है और जिस तरीके की स्टोरी है और जिस तरीके से हमारे जो डायरेक्टर हैं उन्होंने डायरेक्ट किया इस पिक्चर को, इट्स अ वेरी वेरी थ्रिलिंग प्रोजेक्ट। इट्स अ वेरी, इट विल कीप यू राइट एट द एज ऑफ द सीट एंड यू आर गोइंग टू रियली एंजॉय द फिल्म। जी, एक्चुअली आजकल के दौर में हम लोग रहते हैं, जिस दौर में रहते हैं, सोशल मीडिया का बहुत एक प्रेजेंस है और सोशल मीडिया एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल है आजकल, और इस माध्यम से बहुत सारे लोगों को बेनिफिट भी मिलता है, बट जो साइड है उसका जो ड्रॉबैक है वो हमें कभी नहीं देखने को मिलता है। और ये फिल्म उस ड्रॉबैक्स को कवर करती है जो एक इंसान के जो इंसान के कैरेक्टर्स पर सवाल शायद उठाती है। और द फिल्म ऑल्सो हैज़ अ लॉट ऑफ टीचर्स इन द फिल्म, और जो टीचर्स हैं उनकी जो प्राइवेट लाइफ है, आपको एक थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन देता है कि क्या जो टीचर्स हैं उनकी प्राइवेट लाइफ ना होती है। अब मैं ज़्यादा ट्रिवियल नहीं करना चाहूँगा क्योंकि एक थ्रिलर फिल्म है और इसका सस्पेंस अगर आप बैठ के देखेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। जी, ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है, इट्स माई डेब्यू फिल्म एक तरीके से। उसके साथ साथ मैंने थिएटर में बहुत काम किया है, 6-7 साल मैंने लगातार थिएटर में बहुत काम किया है। मैंने थिएटर में शोज़ किए हैं, पृथ्वी थिएटर या NCPA थिएटर जैसे थिएटर्स में मैंने परफॉर्म किया है, और उसके साथ साथ काफ़ी थिएटर फेस्टिवल्स भी हैं जिनको मैंने थिएटर फेस्टिवल्स में परफॉर्म किया है। सो दैट इज़ माई बैकग्राउंड, बट दिस इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी माई फर्स्ट प्रोजेक्ट एंड द फर्स्ट टाइम दैट यू आर गोइंग टू बी सीइंग मी ऑन द बिग स्क्रीन। सो हमारी मेरे ऑपोजिट जो मेरी लव इंटरेस्ट फिल्म में प्ले करती है उनका नाम है रश्मि आगलेकर। सो शी इज़ द पर्सन हु आई हैव अ लॉट ऑफ सीन्स विद इन द फिल्म, बट माई कैरेक्टर इंटरैक्ट्स विद ऑल द कैरेक्टर्स इन द फिल्म, सो दैट इज अ ग्रेट थिंग। एंड द रेस्ट आई होप यू गाइज वॉच इट एंड लव द फिल्म, इट्स अ थ्रिलर एंड इट्स गोना डेफिनेटली कीप यू थ्रिल्ड राइट थ्रू आउट। इट्स एन ओवरवेलमिंग फीलिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी ओवरवेलमिंग फीलिंग। बहुत सारी मेहनत गई है इसमें। जो कहते हैं ना कि आपका जो कैप्टन होता है टीम का, वो हमारे डायरेक्टर हैं, और उन्होंने जिस तरीके से इस पिक्चर को बनाया है और जिस तरीके से इस पिक्चर को जोड़ा है, आई डोंट थिंक एनीबडी एल्स कुड हैव डन अ बेटर जॉब विद इट, एंड हैट्स ऑफ टू हिम बिकॉज ही केप्ट द एंटायर टीम वेरी वेरी क्लोज टू हिम, लाइक इट वॉज अ फैमिली दैट वॉज शूटिंग दिस एंटायर फिल्म। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल द ऑडियंस दैट इफ यू एंजॉय थ्रिल्स, you're definitely going to be thrilled in this film. Go watch this film. And one last thing, jaise kehte hain society hame bahut sare sawal poochti hai, jab society aapko ye sawal puche to unko hum kya kahenge? Nana Chitang. Thank you.